नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहतास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर एस बाइक टेक्निकल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ये बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें, इसमें आपका ही फायदा है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी बाइक है, किसी भी कंपनी की बाइक है, उसकी क्लच प्लेटें अगर जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगा। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो बाइक की क्लच प्लेटें वो लंबे समय तक सही रहेंगी, जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि वो क्या टॉपिक है और उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों जब भी बाइक चलाएं तो हमेशा फर्स्ट गियर पूरा क्लच दबा के लगाना चाहिए, जिससे बाइक के क्लच पर ज़्यादा ज़ोर से झटका ना लगे और गियर आराम से लग जाए। जब बाइक चलने लगे तो अगला गियर पूरा क्लच दबा के लगाएं और फिर क्लच को पूरा छोड़ दें। फिर उससे अगला गियर जब लगाते हैं पूरा क्लच दबा के लगाएं, फिर क्लच को छोड़ दें। इस तरीके से पूरा क्लच फ्री छोड़ देना चाहिए, तब बाइक चलानी चाहिए। अगर आप ऐसे उंगलियां रख के, जैसे मैंने उंगलियां रख रखी है क्लच पे, ऐसे उंगलियां रख के अगर आप बाइक को चलाते हैं तो उस कंडीशन में क्लच लीवर हल्का सा दबा रहता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जो क्लच प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं और क्लच प्लेटें धीरे धीरे ख़राब होती रहती हैं। तो इस कंडीशन में क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब होती हैं। जब भी आप बाइक चलाएं तो क्लच लीवर हमेशा फ्री छोड़ दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि क्लच लीवर पर हाथ रख के चलाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि क्लच लीवर हल्का सा दबा हुआ है और बाइक की क्लच प्लेटें जो आपस में घिस रही हैं, इस वजह से क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी बाइक चलाएँ तो क्लच लीवर को हमेशा बिल्कुल फ्री छोड़ दें, उस पर बिल्कुल भी दबाव ना रखें। अब मैं बाइक को रोक देता हूँ और अब बाइक कर दिया मैंने बंद। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो जो ये क्लच लीवर है, इसमें ऊपर नीचे की पले है लेकिन आगे पीछे की बिल्कुल भी इसमें पले नहीं है। इस बाइक का क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर इतना ज़्यादा क्लच टाइट रहेगा तो जब भी हम बाइक को चलाएँगे तो बाइक पूरा क्लच हम जब छोड़ेंगे तब बाइक आगे बढ़ेगी। इस कंडीशन में भी बाइक की क्लच प्लेटें आपस में घिसती रहती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस लीवर में पले होना, आगे पीछे की पले होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसमें लीवर में थोड़ी चाल कर देता हूँ, फिर दिखाऊँगा इसमें कितनी चाल होनी चाहिए। तो ये इसका क्लच एडजस्टर है, ये आप देख सकते हो जो इंजन में जो क्लच लीवर लगा हुआ है, मैं हल्का हल्का लीवर दबा रहा हूँ और ये बिल्कुल हल्का हल्का हिल रहा है, इसमें चाल बहुत ज़्यादा कम है। अभी मैं इसके एडजस्टर को लूज कर देता हूँ और इसमें जितनी चाल चाहिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसकी कम से कम 3-4 चूड़ियाँ खोलनी पड़ेगी तब हमारा क्लच प्रॉपर सेटिंग पे आएगा। ये आप देख सकते हैं अभी इसकी कुछ चाल बढ़ चुकी है, अभी और इसको लूज करना पड़ेगा। अब इसकी जो चाल है वो ठीक है, इतनी पले नीचे से होनी चाहिए। अब मैं इस नट को कर देता हूँ यहीं पे टाइट। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, एक बात का और ध्यान रखना है, जब ये जो हमारा क्लच एडजस्टर है अगर ये पीछे से पूरा बंद है और हमारा क्लच पूरा टाइट है तो उस कंडीशन में हमारा क्लच एडजस्ट नहीं हो सकता, ये हमारा जो वायर है क्लच का ये ख़राब है, हमें चेंज करा देना चाहिए। अगर दोनों तरफ एडजस्टिंग है तो हम क्लच को एडजस्टर करवा सकते हैं, एडजस्टिंग इसकी हो जाएगी और हमारा क्लच लूज हो जाएगा। तो मैंने इसका क्लच लूज कर दिया है, ये आप देख सकते हो। अभी मैं इसकी क्लच लीवर की मैं आपको चाल दिखाता हूँ, इसमें कितनी चाल होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो। इसमें कम से कम इतनी चाल होनी चाहिए, जब भी हम बाइक को चलाएंगे तो जैसे ही हम गियर लगाएंगे तो हाफ क्लच में हमारी गाड़ी आगे चलने लगेगी। तो क्लच लीवर में इतनी पले होनी चाहिए कि जब भी हम बाइक को गियर लगा के आगे बढ़ाएं तो आधे क्लच में गाड़ी आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये आप देख रहे हो बाइक का जो व्हील है, व्हील आगे का हो या पीछे का हो, इस तरीके से जाम नहीं होना चाहिए। जैसे ये हल्का हल्का जाम है, ये किसी भी कंडीशन में जाम हो सकता है। हो सकता है आपकी बाइक की चैन टाइट हो, या हो सकता है आपकी बाइक के ब्रेक टाइट हो, या ये भी हो सकता है कि बाइक के व्हील के बैरिंग ख़राब हो। तो कोई भी कारण हो उसको ठीक करा ले, व्हील बिल्कुल भी जाम नहीं रहना चाहिए, व्हील बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से बिल्कुल व्हील फ्री होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से व्हील फ्री होना चाहिए। आप मैन स्टैंड पे
बाइक को लगा के और दोनों टायरों को घुमा के देखें, बिल्कुल व्हील फ्री होने चाहिए जिससे गाड़ी पे बिल्कुल भी लोड ना पड़े और बाइक बिल्कुल फ्री चले। इससे भी क्लच पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों अब इससे अगले टॉपिक की तरफ। या आप देख सकते हो जब भी हम बाइक को चलाते हैं तो कभी भी बाइक को बड़े गियर में नहीं उठाना चाहिए। जैसे हम कई बार रेड लाइट पे रोकते हैं या जाम में रोकते हैं तो बाइक तीसरे गियर में या दूसरे गियर में और हम उसको उठाने लगते हैं, तो कभी भी खड़ी बाइक को जैसे हम लेके चलते हैं आगे दूसरे तीसरे गियर में कभी भी नहीं उठाना चाहिए। जब भी हम उस बाइक को इस कंडीशन में उठाएंगे तो हमें क्लच आधा दबा के रखना पड़ता है और रेस हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, तो कब थोड़ा दूर जाके उसका पिकअप बनता है। तो बाइक को जब भी आप लेके चलें तो स्टेप बाई स्टेप गियर डालें और उसके हिसाब से स्पीड को बढ़ाएं। अगर बड़े गियर में हम बाइक को चलाएंगे तो हमें क्लच पे ज़्यादा दबाव रखना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में भी क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। अभी मैंने आपको जितने भी तरीके बताए थे अगर आप इन ट्रिक को सही से फॉलो करते हैं तो आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है 100% लंबे समय तक चलेंगी, जल्दी से बाइक की क्लच प्लेट ख़राब नहीं होंगी। दोस्तों आपको एक बात का और ख्याल रखना है, जब भी आप अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं तो हमेशा एक जेन्युइन कंपनी का, एक अच्छी कंपनी का ऑयल डलवाएं। अगर आप अपनी बाइक में कोई भी ऑयल डलवा दोगे, लोकल ऑयल डलवा दोगे, तो उससे बाइक के जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा घिसते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और क्लच प्लेटें तो ख़ास तौर पर जल्दी ख़राब होती हैं। तो हमेशा अपनी बाइक में एक अच्छी कंपनी का ऑयल डलवाएं जिससे आपकी बाइक की इंजन की लाइफ हमेशा लंबी रहे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।